अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का रेसिपी चिकन ग्रेवी करी। इस करी को बनाना बहुत ही सिंपल है, देखिए और आप भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए अब हमें इसके लिए ड्राई कोकोनट्स, गार्लिक, जिंजर, थोड़े से क्लाव्स एंड सिनेमन, इन सभी को ग्राइंड कर लिए। पेस्ट रेडी होता है। अब लीजिए चिकन, ऑयल, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और बारीक कटी हुई ऑनियंस, टर्मरिक पाउडर, एक टमाटो एंड ग्रीन चिल्लीस। चलिए शुरू करिए। सबसे पहले हमें इसे मैरिनेट कर लेंगे। हल्दी डालिए और इसके बाद लाल मिर्च, और ऐड करिए सॉल्ट, मसाले का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करें। इसको अच्छी तरह मिला लेना चाहिए। देखिए चिकन पीसेस को अच्छी तरह मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे मैरिनेट करने से चिकन के अंदर सभी मसाले एंटर होते हैं, चिकन मज़ेदार बनेगा। अब हमें एक पैन रखिए, इसमें ऑयल डालिए, ऑयल हीट होने के बाद ऑनियन से ऐड करिए, ऑनियंस को अच्छी तरह फ्राई करना चाहिए। अब हमें इसमें मसाला पेस्ट थोड़ा सा ऐड करिए, इन दोनों को फ्राई करिए। देखिए अब ऐड करते हैं हमें टमाटर एंड ग्रीन चिल्ली। थोड़ी देर 5 मिनट्स के लिए कवर करिए, ये अच्छी तरह फ्राई होते हैं। ये फ्राई होने लगे हैं। अब हमें ऐड करेंगे चिकन, चिकन पीसेस को ऐड करिए। ये मैरिनेट हुआ चिकन है। इस करी को बनाना बहुत ही सिंपल है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। देखिए चिकन कुक होता है, देखिए 50% हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करेंगे वाटर। देखिए वाटर ऐड करें हैं लो फ्लेम में ही। वाटर ऐड करने के बाद लो फ्लेम में ही 10 मिनट्स रखिए, कवर करके 10 मिनट्स रखिए। देखिए अब हमारा चिकन रेडी हुआ है। यम्मी यम्मी, अच्छा, बहुत ही अच्छा है टेस्ट। धनिया पत्ते गार्निश कर लेते हैं, कितना कलरफुल से अच्छा लग रहा है। आपको ये करी पसंद आ गई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।